अध्यक्ष माना जाना चाहिए था। यह बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का जो गठन नेताजी ने किया था वो पहली सेना थी, पहली फौज थी जिसके आगे इंडियन भारतीय हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का नाम था। उससे उसके साथ हमारे साथ ब्रिटिश आर्मी थी या फिर उससे पहले मुगल और अलग अलग छोटी रियासतों की सेनाएं थी। तो इस लिहाज से सर्वप्रथम हमारे सेना के सेनापति अगर कहें तो हम सुभाष चंद्र बोस को ही कहेंगे। आज यहाँ पे बैठे हुए हम लोग कह रहे हैं कि बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसा कि बताया मैं सन 1999 में कारगिल में था, कारगिल का युद्ध लड़ा गया था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया। कारगिल की पहाड़ियों पर जहां पर -20 -30 डिग्री का तापमान रहता है, आप इमेजिन करें, अंदाजा लगाएं कि कितनी ठंड होती है। उन कठिन पहाड़ियों पर हमारे सैनिकों ने लड़ा था। सैनिकों के पास उस जमाने में, इस जमाने में 99 की बात कर रहे हैं, फिर भी काफी अच्छे साजो सामान थे, बंदूकें थी, राइफल थी, बोफोर्स गन थी, हवाई जहाज थे, सभी तरह की साज सामग्री थी। और इसकी मदद से, और हमारे पास सबसे बड़ी बात था, नेतृत्व था, लीडर्स थे, सेना के लीडर्स थे, सेना के जनरल्स थे जिन्होंने रास्ता दिखाया, अधिकारियों ने रास्ता दिखाया और हमने वो जंग जीती। लेकिन अगर हम 1942 में की बात करेंगे, जिस वक्त नेताजी ने एक सेना खड़ी करी, उनके पास सैनिक अनुभव नहीं था, सेना से कोई संबंध नहीं था, 43 साल की उम्र थी, उस व्यक्ति ने, उस शख्सियत ने कहां पर जाकर, जापान में जाकर, सिंगापुर में जाकर सेना खड़ी करी। उस जमाने में उसने 50,000 लोगों को अपनी बातों से देश की आजादी में कूदने के लिए, मैं ये कहूंगा मजबूर कर दिया या प्रेरित कर दिया, जो भी आप समझे, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने जोश से, अपने खुद के चलन से, अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि जाओ देश के लिए करो और देश को आजादी दिलाओ। उस व्यक्ति ने 45 साल की उम्र में कोई एकेडमी से, कोई इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, कोई किसी तरह की उनके पास सैनिक ट्रेनिंग नहीं थी, और ऐसे लोगों को उन्होंने, जिन्होंने कोई सेना से कोई लेना देना नहीं था, कोई जेल में बंद थे, कोई जापान में प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनको इकट्ठा करके एक सेना बनाई। और सबसे बड़ी बात है, उस सेना में उन्होंने रानी झांसी की एक लक्ष्मी माई ब्रिगेड बनाई, और उस वक्त, उस जमाने में उन्होंने एक पूरी की पूरी ब्रिगेड, जिसमें की युवतियां, लड़कियां, उन्होंने कंधों से कंधा मिलाकर सेना में हिस्सा लिया और उस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस जमाने में हमने सेना में लड़कियां रखी थी, लेकिन उसके बाद 50 वर्ष के बाद 90 के दशक में हम पहली बार सेना में लड़कियों को अभी भर्ती कराते हैं या उनको जॉब के अवसर देते हैं, करियर बनाने के लिए लड़कियों को भी। आज हमारी सेना में लड़के लड़कियां आते हैं, करियर बनाते हैं और देश को किसी तरीके के खतरे से अपने आप को दूर रखते हैं। हमें मालूम है कि हमारे चारों तरफ, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, जो हर समय हमारे ऊपर गिद्ध की निगाह से हमारे ऊपर हमला करना चाहता है, हमारे आज़ादी पर या हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत, चाहे वो उग्रवादी तरीके से, चाहे वो टेररिस्ट भेजकर कश्मीर में या कहीं बम धमाके करके। इस पूरे माहौल में, इस समय अगर हमारे देश को एक अखंडता और एक सूत्र में पिरो के रखा हुआ है तो वो भारतीय सेना ने। आज कश्मीर हमारे नक्शे पे है तो भारतीय सेना की बदौलत है। अगर भारतीय सेना दिनों दिन, दिन रात 24 घंटे बिना किसी इतवार के, बिना किसी दीपावली के, बिना किसी के, हर वक्त अपने बॉर्डर्स पर तहरीर के तौर पर तैयार रहते हैं, और हम उसी वजह से अपने घरों में महफूज होकर सो सकते हैं, हम शांति से सो सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के, और हम अपने काम पर, पढ़ाई पर, जॉब्स पर, बिजनेस में, हर फील्ड में अपना मेहनत कर सकते हैं, देश को ग्रो कर सकते हैं, नेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ इसी वजह से संभव है कि सेना हमारे 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करती है, और इसीलिए जरूरी है कि देश के अच्छे युवक युवतियां सेना में आने पर अपना करियर बनाएं। सेना एक ऐसा
जज्बा है जिसमें आने में हम कोई तनख्वाह के लिए, सिर्फ तनख्वाह और जिसे कहते हैं कि कंफर्ट्स के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं, बल्कि सेना को एक जज्बे के तौर पर, देश सेवा के तौर पर ज्वाइन करते हैं। सेना में आज इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, बड़े बड़े हथियार चलाने, हवाई जहाज चलाने, सब पनडुब्बी चलाने के लिए अच्छे युवकों की जरूरत होती है, और वो युवक होती है हम सब, ये सब काम कर सकते हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करें, नेशन बिल्डिंग करें और सेनाओं में अपना योगदान दें। सुभाष चंद्र बोस जिसको नेताजी, पहली बार नेताजी वर्ड जोड़ा।